हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे और हैप्पी रक्षाबंधन। ये ब्लॉग रक्षाबंधन के काफ़ी बाद आएगा और तब तक आप लोग रक्षाबंधन मना चुके होंगे, बट फिर भी मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। और हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे रक्षाबंधन की शॉपिंग करनी थी कुछ। और इस बार मैं रक्षाबंधन में अपने घर नहीं जा पाई और मेरे हस्बैंड के सिस्टर लोग के लिए और चीकू के सिस्टर के लिए हम लोग गिफ्ट लेने के लिए यहाँ आ गए थे, और कुछ मैंने भी अपने लिए शॉपिंग कर लिया। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्रेस वगैरह देख रही थी, क्या था कैसा था, देखते हैं अगर कुछ पसंद आएगा तो। और ये वाला ना, मुझे देख के अपना कॉलेज टाइम याद आ गया, ऐसा हम लोग पहनते थे अपने कॉलेज लाइफ में। और ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। और तो वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स आए थे, अच्छे लग रहे थे काफ़ी देखने में। और चीकू ना मॉल आता है तो काफ़ी इन्जॉय करने लगता है, तो मॉल में ना इसलिए अच्छा लगता है चीकू के साथ आने में। और ऐसे कोई शॉप में जाते हैं तो ना चीकू काफ़ी इरिटेट हो जाता है, वो वहाँ पे शॉपिंग करने नहीं देता है, इसलिए हम लोग प्रिफर करते हैं कि मॉल ही आ जाए। और देखिए कितने अच्छे अच्छे बैग्स हैं, और यही मैं आपके साथ भी थोड़ा शेयर कर रही थी कि यहाँ का मॉल कैसा रहता है और क्या क्या रहता है। तो हम लोग मार्केट से आ गए थे और सोनम चीकू को राखी बांध रही थी, और शॉकिंग की बात है कि चीकू कितनी चीकू कितने अच्छे से राखी बंधा रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। मैं नहीं सोची थी कि इतने अच्छे से राखी बंधा लेगा, और बहुत प्यारा लग रहा था। येलो कुर्ता पैजामा उसने पहना हुआ था, ट्रेडिशनल मैंने उसे पूरा तैयार किया था, और स्वीट्स भी वो काफ़ी अच्छे से खा ले रहा था। और आज सोनम भी बहुत क्यूट लग रही थी, और दोनों ने सेम ही सेम कलर का ड्रेस भी पहना है। और ये जो बेड शीट आप देख रहे हैं ना, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, प्योर कॉटन का बेड शीट है, बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इसको लेकर के। और चीकू के ऊपर फ्लावर डाल रही थी सोनम। और फिर हम लोग आ गए मेरी ननद के घर और हस्बैंड के सिस्टर के यहाँ। फिर उन लोगों ने अपना राखी सेलिब्रेट किया, और खांसी जो है ना वो अभी तक कम नहीं हुआ है मेरा। और ये वाली जो सिस्टर है, मेरे छोटे ससुर जी है ना, छोटे पापा, उनकी बेटी है रानी। और यहीं पे हम लोग थोड़ा देर सेलिब्रेट किए राखी का और खाना वाना खाए, बहुत अच्छा लगता है भाई बहन का ये फेस्टिवल। और मुझे भी मेरे भाइयों की बहुत याद आ रही थी, मैं नहीं जा पाई, और बहुत तकलीफ़ लगता है ना आप किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाओ, बट कोई बात नहीं, मैं अगर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चले जाते हैं ना मुझे छोड़ने के लिए, तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो उन्होंने इस साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर मैं गई थी और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, एंजॉय किया, बहुत अच्छा सा लंच किया। और ये कुछ पिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे चीकू अपनी बहन से राखी बंधा रहा है,
इसका वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया वो क्लिप, तो मैंने पिक्चर ही आपके साथ शेयर कर दिया। तो ऐसा ही था हमारा रक्षाबंधन। आई होप आप लोगों का रक्षाबंधन भी बहुत अच्छा होगा। और फिर हम लोग ना इवनिंग के टाइम में वेजिटेबल लेने के लिए चले गए थे वहाँ से आने के बाद, और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। और ये एक काली माँ का मंदिर है। तो कैसा रहा आप लोगों का रक्षाबंधन, मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और बस हम लोग थोड़ा मार्केट निकल गए। इवनिंग के टाइम में ना थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भी नुकू ने सोचा कि वहीं से हम लोग कुछ खाना वाना खा लेंगे, और फिर कुछ वेजिटेबल भी लेना था तो वो सब हम लोग लेकर के आ जाएंगे। तो ये वो हम लोग घर आ गए हैं। मैंने लौकी लिया था और गोभी ली थी, काफ़ी फ्रेश थी सब्ज़ी। ग्रीन सब्ज़ी ना बहुत अच्छा लगता है देखने से ही। और ये देखिए, ये लाल वाली जो साग होती है ना, वो लिया था। बीन्स ली थी बस, और कुछ नहीं। अभी ना बरसात के टाइम में सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस इतनी सी ही वेजिटेबल लिया था, टमाटो, अनियन और आलू वगैरह सब था। तो बस ग्रीन वेजिटेबल लेना था। और रात में मैंने घी निकाला था, तो ये बटर है। रेसिपी वगैरह मैंने शेयर नहीं किया, बस ऐसे ही आपके साथ एक क्लिप दिखा दी। देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल करके बटर रेडी हुआ है। और मैं चीकू के लिए घर पे ही कॉ घी निकाल लेती हूँ। तो बस यहीं तक का था मेरा वीडियो। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नए वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने फैमिली के साथ हर छोटी छोटी खुशियों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ अच्छे से एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।